मंगल लोहार। अच्छा हुआ तू यही मिल गया, तुझे ही तो ढूंढ रहा था मैं। मुझे पता चल गया है कि तू रंगाराव का आदमी है और पिछले दिनों हुए पुलिस वालों के कत्ल में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। अरेस्ट। नादान इंस्पेक्टर, आज हमारी दिवाली है इसलिए बारूद तुम नहीं, हम उड़ाएंगे हम। इस इलाके में ट्रांसफर लेते ही अगर हमसे हाथ मिला लिया होता तो आज गोलियों की नहीं नोटों की बरसात हो रही होती। अब तुम्हें यह बात सिर्फ रंगाराव ही अच्छी तरह समझा सकता है। नहीं नहीं, इसे हम नहीं मारेंगे, इसे अन्ना मारेगा। इस जंगल में बहुत लकड़ी, बहुत लकड़ी। इस देश के सारे ऑफिसर को रंगाराव जलाना, इतना लकड़ी। लेकिन मरे आदमी को कैसे मारा तुम? उसको लकड़ी नहीं मिला, उसकी लाश को चील कौवा खाया। लकड़ी में रहने वाले को लकड़ी नहीं मिला। रंगा दुखी, रंगा दुखी तो सब दुखी। अब देखना तेरे को मैं ऐसी मौत देगा कि तेरी लाश को चील कौवा खाएगा, चील कौवा खाएगा। रंगाराव, एक मेरे मर जाने से पुलिस डिपार्टमेंट को ताला नहीं लगेगा, फिर कोई आएगा, फिर ये लड़ाई होगी और फिर तेरे आदमी मारे जाएंगे। एक बात मत भूलना, तू चाहे कितने पुलिस वाले मार ले, तेरी मौत भी एक पुलिस वाले के हाथों से होगी, ये बात निश्चित है। रंगाराव दुखी तो सब दुखी। रंगा खुश तो सब खुश है। ए कमिश्नर, ये टीवी को बंद मत करना जी, ये पिक्चर को पूरा देखो, इसको मैं तेरे लिए बनाया, तेरे लिए। अरे थोड़ा कुर्सी से उठो जी, अपने टोपी को उतारो, इसका इज्जत का वास्ते है। ये पुलिस वाले का बॉडी होना और वो कैसेट नंबर 50 है।
तुम मेरे एरिया में पुलिस वाला भेजेगा, मैं तेरे को कैसेट भेजेगा। एक पुलिस वाले का जान कितना सस्ता जी, एक पुलिस के बदले एक कैसेट। रंगा राव खुश तो सब खुश। समझ में नहीं आता ये रंगा राव की मौत का खेल कब तक चलता रहेगा, कब तक। हमने पूरे देश की पुलिस फोर्स से चुन चुन कर अच्छे पुलिस ऑफिसर हमने इस मुहिम पर भेजे ताकि वो रंगा राव की हुकूमत का खात्मा कर सके, लेकिन अफसोस सर, मेरी नजर में एक ही पुलिस अफसर बचा है जो रंगा राव को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। कौन है वो? ज्वाला सिंह, जिसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है। क्यों सर? उसका काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। वो पत्ते तोड़ने में नहीं, जड़ों को काटने में विश्वास रखता है। मुझे अच्छी तरह याद है सर, 2 साल पहले मैं टिकमगढ़ पुलिस थाने में उसके साथ था। वहां गुंडागर्दी कुछ ज्यादा थी। एक दिन पुलिस थाने में कुछ गुंडे घुस आए। कारगा के अड्डे को ताला मार के और उसके आदमी को बंद करने की हिम्मत तूने कैसे की बच्चे? ये ज्वाला साहब का हुक्म था कारगा, चला जाए यहां से। अगर ज्वाला साहब को पता चला कि तू पुलिस स्टेशन आया था तो तुझे भी उठाकर बंद कर देंगे। क्यों मजाक कर रहा है बच्चे? मजाक कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। ज्वाला जैसे कितने आए और कितने गए। मेरे आदमी को ले जा और मेरे अड्डे पे जाके छोड़ दे, वहां तुझे बिल्ला मिलेगा, उससे अपना हफ्ता ले लेना। समझ गया ना बच्चे? चल छोड़ा उसे। एक बात कान खोलकर सुन ले कारगा, ना तो तेरा आदमी छूटेगा और ना ही तेरे अड्डे का ताला खुलेगा, समझे? तो ठीक है, जब तक मेरा अड्डा नहीं खुलेगा कारगा इसी पुलिस स्टेशन में बैठ के शराब पिएगा। कारगा किसी मंत्री से कम नहीं है, फोन करके आता फिर मिलता। उस इंस्पेक्टर ने भेजा होगा तुझे, आने से पहले पूछ तो लिया होता कि कारगा के तमाचे में कितना दम है। वर्दी को खेल और कानून को रखेल समझने वालों को ज्वाला मारता नहीं, मार देता है।
तुम जानते हो तुमने कारगा को मारकर कितनी शर्मनाक हरकत की है? मैंने कोई शर्मनाक हरकत नहीं किया सर। कारगा ने पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे एक ऑफिसर को तमाचा मारा था। तो फिर तुम में और कारगा में फर्क क्या हुआ? फर्क होना भी नहीं चाहिए सर। हम पुलिस वालों को मौत से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, कारगा जैसे खतरनाक मुजरिमों से निपटने के लिए। मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता सर। मैं कारगा को मारने की प्लानिंग से गया था और उसे मार दिया। ज्वाला सिंह, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं। आप तकलीफ मत उठाइए सर। ऐसे माहौल में मैं खुद नहीं काम करना चाहता। मैं रिजाइन करता हूं और यह सब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले किसी ऑफिसर को दे दीजिएगा, ताकि वो कारगा जैसे लोगों के तमाचे खा सके और यह साबित कर सके कि पुलिस बुस्तिल है, डरपोक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। ज्वाला सिंह को बुलाने की बहुत कोशिश की गई, मगर ज्वाला सिंह लौट कर नहीं आया। कहां है वो आजकल? गुच्छोट पापा। ए, खाने पे कम, निशाने पे ध्यान दे। देख। ए, पागल हो गई है? अगर गोली तुझे लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है? जो तुम पर मर मिटी हो उसे गोली क्या मार सकती है? वाह क्या बात है। चुप। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी ही बातें पसंद है। हाँ पापा, बात में दम है। फिर बोला तू, जाओ अंदर जाओ। जिसे बाहर खेलना चाहिए उसे अंदर भेज रहे हो, और जिसे अंदर रहना चाहिए वो कब से बाहर खड़ी हुई है। क्या मतलब? हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हो यार? मैं तो शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पंडित को फोन करूं? चुप। मतलब मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए हर वक्त मुझे मजबूर मत किया करो। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? अरे मजबूर तो मैं खुद हूँ, जो कुंवारी होते हुए भी एक बच्चे के बाप के पीछे पड़ी हुई हूँ। अरे मैं दिल से मजबूर हूँ, दिल से, वरना एक से एक लड़के हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हाँ पापा, दो लड़कों को तो मैं जानता हूँ। बकवास बंद कर। किसी लड़के का हाथ पकड़ो और निकल लो यहाँ से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तुमसे शादी करूंगा, समझी? आप भी समझ लो पापा, इससे अच्छी मम्मी मुझे नहीं मिल सकती। चल रे। में कोई नहीं है दम, ये है लड़की पानी कम, मम्मी लाके दूंगा मैं तुझको अंग्रेजी मैडम। मेरे रेशम जैसे बाल, मेरे गोरे चिकने गाल।
में कोई नहीं है दम, ये है लड़की पानी कम, मम्मी लाके दूंगा मैं तुझको अंग्रेजी मैडम। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। सर, आप हमारे घर में? हां ज्वाला, मुझे खुशी हुई तुमने वर्दी तो उतार दी, लेकिन आज भी एक ऑफिसर तुम्हारे अंदर जिंदा है। मैं आज उसी ऑफिसर से मिलने आया हूं। लेकिन उस ऑफिसर ने किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया है। ये कानून की इज्जत का सवाल है, प्लीज। कानून के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आज उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ ज्वाला, बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हमारी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई हैं। सर, मैं बंदिशों में काम नहीं कर सकता, और ना ही कानून के दबाव में आकर मैं अपने काम करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन लाऊंगा। ज्वाला, हमें रंगाराव चाहिए, सिर्फ रंगाराव। उसे गिरफ्तार करने के लिए तो मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। सर, मुझे पूरा यकीन है कि कानून और मेरी नहीं बनेगी। अब मेरा और अपना दोनों का वक्त पर बात करते हैं। I'm sorry। फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं ज्वाला, ये रहा वो कैसेट जिसमें तुम्हें रंगाराव की हैवानियत साफ नजर आएगी। इसे देख जरूर लेना, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। किसी भी फैसले के लिए बहादुर इतना सोचा नहीं करते, और मैं जानती हूँ आज भी तुम्हें कानून उतना ही प्यारा है जितना पहले था। तुम्हारी रगों में फर्ज और ईमानदारी का ज्वालामुखी भरा हुआ है, और जिस देश में तुम जैसे जाबाज मौजूद हो उस देश में रंगराव जैसे खतरनाक मुजरिम सांस ले रहे। तो इतना याद रखना, उनके इस जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। Oh!
रंगाराव, मैं आ रहा हूं। जेरा चिड़ी को मैं कब छूटूंगा साहब? अबे और धतूरे के बीच जब तक मारे सर में दर्द रहेगा तब तक तू मारे कैद में रहेगा। टेंशन टेंशन बक बक अरे सर टेंशन नहीं अटेंशन। अबे टेंशन होगी तो टेंशन होगी ना। यू आर राइट सर। रॉन्ग बात ना करूं मैं। सुन हाइट में तू बड़ा थाने में मैं बड़ा। पानी पिलाओ। इतनी ठंड में पानी? प्यास लगे ना लगे टेबल पर बैठते ही पानी का ऑर्डर देना जरूरी है। तो हिम्मत सिंह ये बड़ा कैसे कहलाएगा? यू आर राइट सर। यस जी साहब जी हमारे बड़े साहब तो भोला साहब है ना जी। भोले की बात कर रहे हैं। भोला गधा है बेवकूफ है उल्लू का पट्टा है। अब क्या चीज है भोला? अब भोला क्या चीज है? अरे मिनिस्टर से मैंने फोन पे बात करके सिफारिश की तब ये बना इंस्पेक्टर वरना ये तो वो चपरासी के लायक भी ना है। यू आर राइट सर। रेड रेड की बात करे रॉन्ग बात रह करूं मैं। हिम्मत सिंह बुझ हिम्मत सिंह। बता बे साले शादी में आया क्या हिम्मत सिंह? अबे कोई आने का टाइम है ये हिम्मत सिंह हिम्मत सिंह। पहले ये बता तू देर से क्यों आया? अब पहले ये बता कि इस थाने का इंचार्ज तू है या मैं हूँ? मैं हूँ। यू आर राइट सर। ये ले। Hey, shut up! इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ और सरकार ने जीप मुझे दी है तुझे नहीं। ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जीप हम सबके लिए दी है और इसलिए कि आतंकवादियों से डर के भागना पड़े तो सब एक साथ बैठ के भागे। यू आर राइट। रॉन्ग बात तो करूँ ना मैं? तेरे को घमंड आ गया क्या? मैं इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर। ये देख मेरे स्टार मेरे स्टार। यू आर राइट। बैठ जाओ रेड वाले बच्चे। ये देख तुझ जैसे स्टार कितने आए कितने गए। कुछ तो चले गए कुछ तो मर गए कुछ तो सुधर गए कुछ न जाने किधर चले गए। किधर गए किधर गए? ये देख मेरी बात सुन ले। आतंकवादियों से जिनकी यारी है उनका पलड़ा हमेशा भारी है। 20 साल हो गए इस थाने में हवलदार हुए। तेरे को 6 महीने हो गए इंस्पेक्टर बन के। वैसे भी तू मेरा साला है मैं तेरा जीजा हूँ। बोल बड़ा कौन? दादा बात नहीं करना तेरी बहन को आधे रास्ते में छोड़ दूंगा मैं। साला है तो तेरी इज्जत कर रहा हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा चल बैठ जा जल्दी बैठ जा। ओए मेरे लिए एक लस्सी ले गया पानी पीगा तू? हाँ। एक पानी लाके इसके मुंह पे मार होश बने। ये यू आर राइट सर। मेरी गुलबदन मेरी जान मैंने कल का अखबार पढ़ा। बहुत अच्छा लिखा है तूने मेरे बारे में। पालघाट वालों को मेरे खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मंगल लोहार को उम्र कैद होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक गड़बड़ की तूने। अगर मेरा फोटो छपवा देती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तेरा ये शौक भी जल्द ही पूरा हो जाएगा मंगल। और अखबार में फोटो वो छपेगा जिसमें तू जेल में चक्की चलाता हुआ नजर आएगा। ओ, इतना भरोसा है तुझे अपने कैमरे पर? मेरा कैमरा दे।
मेरा कैमरा दे दे मंगल, वरना मैं पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगी। आजकल तू बहुत जोक मारने लगी है। जरा बता दे रहे इसे, पुलिस खुद मंगल लोहार के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने आती है। तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो जा और पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दे। जा, मुंह क्या देख रही है, जा ना। ठीक है, अगर तू मर्द की औलाद है तो जाना मत यहां से, यहीं पर रुकना। अरे मर्द हूं इसलिए तेरे पर मरता हूं रे। बोला का है? क्या बोला? ये बात है, बहुत हाँ रही है तू, ये परेशानी है। बोला बोला क्या कर रही है इस थाने में, मैं बड़ा, मुझसे बोल। वो मुझे मंगलवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। बेइज्जती कर रही है तू, मेरी बेइज्जती कर रही है। छोटे मोटे लोगों को कंप्लेन लेके नहीं आना मेरे पास। क्या? मैं बड़े बड़े डकैतों को कंप्लेन लिखता हूँ। मैं इस थाने में मैं बड़ा, छोटी मोटी कंप्लेन लिखाना तो कोने में बैठा है बोला था उसके पास। तकल चल उधर। अरे रोमा तुम, आओ बैठो, कैसी हो तुम? बोला अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो है? और उस मंगल लोहार को ऐसा मजा चखाओ कि जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, वो शादी के लायक भी ना रहे। अभी मेरे साथ चलो और उसे गिरफ्तार करो। बोला लेकिन उसने किया क्या है? किया क्या है? अरे उसने मुझे छेड़ा है और मेरा कैमरा भी छीन लिया है। अच्छा तो उसकी ये हिम्मत? तू फिक्र मत कर रोमा, कल मेरी पगार होने वाली है, मैं तुझे नया कैमरा खरीद के दूंगा। क्या? वो क्या है ना रोमा, कि हम ठहरे इज्जतदार लोग हैं, हमें गुंडे मवालियों के साथ मुंह लगना शोभा नहीं देता। ये तुम कह रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है। देखो अगर तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो याद रखना भोला, जिंदगी भर दोबारा बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो हम आते हैं, एक मिनट। मेरे बहादुर सिपाहियों तैयार हो जाओ, हमें मंगल लोहार को गिरफ्तार करने जाना है। और अपने अपने साथ कपन के कपड़े भी ले जाना, क्या पता उधर मिले ना मिले, और साथ बगल में ना वो चंदन की लकड़ियां भी ले जाना। और मंगल लोहार से विनती करना भैया, हमें मार के हमारी बॉडी को इधर से जला देना। यू आर राइट सर। राइट के बच्चे क्या हो गया साले तुझको? क्या हो गया तुझको? इस लड़की के चक्कर में तू तो मर गई, 100% मरेगा। अबे क्यों मार रही है बे? रोमा ये नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये मेरा हुक्म है, तुम लोगों के सीनियर का हुक्म है, यू अंडरस्टैंड, फॉलो मी। चलो उतरो। ओके कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और गिरफ्तार करो उसे। अभी गिरफ्तार करता हूँ, जरा इसे फ्री तो होने दो, बहुत बिजी है अभी। अरे तुम जाओ। मंगल लोहार, मैं तुझे एक जर्नलिस्ट को छेड़ने और उसका कैमरा छीनने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा तो ये छमिया तुझे यहाँ लाई है? ओ शट अप, जुबान संभाल के बात कर। मेरे बहादुर सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। हथकड़ियां लगा दो इसको। हाँ। लगी तो नहीं आपको? कैसे लगा आपको मेरा यह मजाक? मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना मंगल भाई, कि रोमा की मुझे कहने लगी कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंगल भाई ऐसे आदमी नहीं है, वो तो एक शरीफ आदमी है, शहर के इज्जतदार इंसान है।
वैसे मंगल भाई, आजकल आप पुलिस स्टेशन नहीं आते? आप मुझसे नाराज है क्या? वो क्या ना मंगल भाई, आप पुलिस स्टेशन नहीं आते ना तो मेरा दिल नहीं बहलता, कुछ सुना सुना सा लगता। आया करो ना मंगल भाई। मैं तेरा दिल बहलाता हूँ, तू यहाँ। हम लोगों की तो ऐसे मजाक चलती ही रहती है, क्यों मंगल भाई? ये भी बिल्कुल आपकी तरह मजाक करती है, क्यों रोमा? रोमा रोमा। दो दिन से कहाँ गायब थी मेरी रानी? है? मैं कब से तुझे कैमरा देने के लिए ढूंढ रहा हूं। दिल तो ले गई, कैमरा नहीं ले जाएगी? फिर पुलिस स्टेशन जा रही है, उस डरपोक पुलिस वाले के पास? माना कि उस दिन मेरे भोला ने तुझसे मार खा ली, लेकिन मैं उसमें हिम्मत और हौसला जगा कर रहूंगी, और देखना एक दिन वो तुम सबको मार के रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसके बहादुर बनने से पहले हमें अपने दिल के अरमान पूरे कर लेने चाहिए। हा? चलो आज अपने दोनों के बीच का झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, तुझे छूने की तमन्ना में मैं इतना दुबला हो गया ना कि तू बोलते मुझे छोड़ो। शेरो शायरी का मुझे भी शौक है, कुछ मेरे साथ भी हो जाए। शेर शेर नहीं सुनता, पंजा लड़ाता है। गिरी करता है तू, शरीफ इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। पालघाट की जमीन पर मंगल लोहार के खून का एक कतरा भी नहीं गिरा आज तक। तूने इसके खून की गटर बहा दी। यू आर राइट सर। अरे रॉन्ग बात है, रॉन्ग बात है। तालान बना दे इसकी मंगल भाई। मंगल भाई, मंगल भाई फिक्र न करो, आप हुक्म करो, हुक्म करो। इसको 6 महीने की लगा दू, 10 साल की लगा दू, 20 साल की लगा दू, या उम्र कैद कर दू, इनकाउंटर मार दू। इसे एनकाउंटर में तकलीफ देखनी चाहती, आपकी तकलीफ देखनी चाहती, देखनी चाहती भाई, क्या करे, देखनी चाहती भाई। जगह में ले जाके गोली मार दे इसको। सर पिछले 9 महीने से गोलियां खत्म हो चुकी है सर। क्या बात कर रहा है? अरे गोलियों को क्या जरूरत है, पत्थर मार मार के खत्म कर दे इसको। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या दिखाना चाहता है तू? इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच। शुक्र है इतना तो पता है कि सलूट कैसे मारा जाता है और किसको मारा जाता है। अब इस शरीफ आदमी को मैं उठाकर अंदर करूं या आप लोग थोड़ा कष्ट करेंगे? हम उठा दे, 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 उठा दे,
इस पुलिस स्टेशन के बारे में जितना सुना था उससे भी बढ़कर पाया। थैंक यू सर। राणा जंग बहादुर, तलवार सिंह, शेर सिंह, शमशेर सिंह, हिम्मत सिंह, पटेल सिंह, इतना सारा नाम सुनकर तो गंगाराव को पालघाट छोड़कर चला जाना चाहिए था, पर गया क्यों नहीं? बेशरम है साहब जी। शट अप, वरना सस्पेंड कर दूंगा। यह हुलिया होता है पुलिस वालों का, ऐसी वर्दी पहनी जाती है, इसीलिए पालघाट में पुलिस की नहीं गुंडों की चलती है। यहां के सभी लोग दुखी हैं, आज माफ कर देता हूं, कल से अगर तुम लोग पुलिस वाले नजर नहीं आए तो पालघाट में भी नजर नहीं आओगे। ऐसा होता है पुलिस थाने का इंचार्ज? हाँ नहीं साहब जी, इंचार्ज तो बोर्ड साहब हैं, वही आगे करता धरता हैं, वही बड़े हैं, सारा पुलिस थाना इनके हाथ में साहब जी। हम तो सलूट मारते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। क्यों भाई हो ये कहने आप प्रॉब्लम है भाई, बताना बोले साहब के बारे में, अभी बोलेगा नहीं हो रहा है। बस बस, मुझे किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा भोला साहब कहाँ है। ज्वाला सिंह। भोला तू? ज्वाला सिंह। एहे ज्वाला सिंह, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ तेरा सीनियर बन के आया हूँ सर। रिलैक्स, बड़ी खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। अरे मैं भी तेरे बारे में अक्सर पढ़ते रहता हूँ, लेकिन भाभी की मौत सुनकर बहुत दुख हुआ। बच्चा कैसा है? अच्छा है। काफी बड़ा हो गया होगा? हाँ इतना बड़ा के दूसरी माँ की फरमाइश कर दी और मुझे दूसरी माँ लानी पड़ी। यानी कि नई भाभी भी है ये साथ में? साहब जी साड़ा है मेरा, ऐसी बात नहीं है। भाभी से नहीं मिलाएंगे? चला जा। बड़े साहब से ऐसे बातें नहीं करते। धक्का मत मार दू, तेरी बहन को हमेशा के लिए धक्का मार दूंगा मैं। धक्का मार रहा। कहाँ है सर जी, कहाँ है तू? योर राइट सर, सामने क्यों बोल दिया? इसने यूटर्न ले लिया। यूटर्न कर लिया साले, यूटर्न कर दूंगा मैं। माला माला, इनसे मिलो मेरा दोस्त भोला। नमस्ते। नमस्ते भाभी। मैंने इन्हें कहीं देखा है। मुझे एल्बम में मेरी पुलिस ट्रेनिंग की फोटोग्राफ। ओह आप यहाँ पालघाट में? अरे पालघाट में इसकी ड्यूटी है, तुम यकीन नहीं करोगी, ट्रेनिंग के वक्त इतना शर्माया करता था जैसे इसका नाम है भोला। आज देखो पालघाट जैसी खतरनाक जगह की चार्ज संभाल रहा, बड़ी बहादुरी की बात है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। चलो बैठो। हाय पापा। हेलो बेटे, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। भोला जी, हाँ जी? यहाँ तो आए दिन गुंडों और बदमाशों से आपका वास्ता पड़ता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो उनके साथ ऐसे ताल्लुकात हो गए जैसे कि खास जिगरी दोस्त है। हाँ। मुजरिम और दोस्त? नहीं नहीं नहीं, अब पुलिस वालों की जबान में मुजरिम को दोस्त कहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम देखना माला, अपना यह भोला नाम एक दिन बहुत नाम पैदा करेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई। चाय की कोई जरूरत नहीं है भाभी, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पालघाट में इतनी सर्दी पड़ती है और तुम्हें चाय की जरूरत नहीं? दरअसल यहाँ के मुजरिमों के नाम आते ही ऐसे पसीने छूटते हैं कि सर्दी का एहसास ही नहीं होता। मतलब आप गुंडों से डरते हो अंकल? नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको गिरफ्तार करने में इतना जोश आ जाता है, इतना जोश आ जाता है कि सर्दी भाग जाती है। फिर भी आप कह रही है तो चाय पिला ही दीजिए। जी भोला, मुझे रंगा राव के बारे में पूरी जानकारी। उसका इलाका किधर? जंगल में। जंगल में है मालूम है? किस तरह? पूरे जंगल में। कभी वो जंगल के इस कोने में रहता है तो कभी वो जंगल के उस कोने में रहता है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। कभी मुठभेड़ हुई? कई बार भाई। फिर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, हम सब भाग जाते हैं डर कर। नहीं नहीं बेटा, डर के नहीं, अब पकड़ने के लिए तो भागना पड़ता है, तो बस वो भागते हैं और हम भागते हैं, पर इसी में आज तक बात बनी नहीं और हम भाग ही रहे भाग ही रहे भाग ही रहे। वाह भोला, पुलिस को तुम पर नाज है। यार दिल छोटा मत करना, हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि रंगा राव को एहसास हो जाएगा कि पालघाट की पुलिस सिर्फ भाग नहीं रही है, जाग भी रही है। हे भगवान, पालघाट को इनसे बचाना।
तड़ीपार, ओ तड़ीपार। बोलो बहन। सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर की सफाई करना। हाँ। और हाँ, साहब जागे तो उन्हें ये बोर्ड जरूर दिखा देना, और ध्यान रखना वो किसी और के घर ना घुस जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बहन, आप फिकर मत करो, अपन सब काम सेट करेगा, आप निकलो। हाँ ठीक है, बाहर तो बाहर, घर में भी परेशान किया तेरी तो। अरे कोई है भाया? आ जाओ भाया, लाइन क्लियर है। हाँ आ जाओ, सीधे चले आओ। उधर साहब सो के उठे क्या? नहीं ना, सोया पड़ा है मनुष्य अभी तक। रिश्वत के पैसे से अपने घर को टकाटक करके रखा है। ओए, ओए, ये क्या लिखा है? अरे आपको पता नहीं? नहीं। क्या है साहब, जब नींद से उठते हैं ना तो उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको बताना पड़ता है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, मैं हौलदार हिम्मत सिंह हूँ। अच्छा अच्छा, ओए गलसन। हाँ। अगर इस बोर्ड पे लिखाओ कि वो हिम्मत सिंह नहीं कुछ और है तो वही बन जाता है। फिर जोर से ना सर पे टप्पू मारना पड़ता है और बताना पड़ता है, मैं हवलदार हिम्मत सिंह हूँ। एक बात सुन, तेरे को पगार वगार तो नहीं दी होगी? नहीं ना। अरे जिस गवर्नमेंट का नमक खाया उसका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? एक साल से पगार नहीं दी। बोलता है तू तड़ी पा रहे है, मैंने तुझे संभाला, और फिर से पैसा मांगू तो बोलता है झाड़ू मार, बर्तन साफ कर। पका पका दिया है मन उसने। ओए मुझे भी मालूम है, हवालात में खूब झाड़ू मरवाता है। अरे अपनी सेम स्टोरी है, सेम लव स्टोरी है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इससे बदला लेने का। क्या ए, कर दूं क्या इसका टुल्लम टुल्ला? अरे कर दो इसका टुल्लम टुल्ला बिंदास। ठीक है तो मेरा साथ दे रामदास। तुसो तुसो कुम करम, जब तू उठेगा ना तब तुझे पता चलेगा तू क्या बन गया। चलो टुल्लम टुल्ला। मैं कौन हूं? मैं झाड़ू मारने वाला हूँ, मुझे बस्ती की सफाई करने जाना है। और फिर मैं जा रहा था कि ये क्या हो गया? अरे एक मिनट देखता हूँ। ए हट हट, आओ भैया जरा देखें। जीजा जी, अरे चौप चौप चौप। दीदी ये क्या हो गया जीजे को? सत्यानाश, ये जरूर तड़ी पार की शरारत होगी, उसने जरूर बोर्ड बदल दिया होगा। कितनी बार कहा है उसकी तनख्वाह दे दो, मगर ये आदमी मेरी बात सुने तब ना। चलो जरा देखे। लो ओए, तू चल मेरे साथ। बहन जी आप ही गली का काम बाद में करूंगा, पहले ये गली का काम करने दो, चार चार हाथ नहीं है। मेरे कपड़े, मेरे हाथ में बंदूक की जगह झाड़ू। तू घर चल, मैं तुझे अच्छी तरह सब याद दिलाती हूँ। हाँ। जी जा जी, पुलिस वाले होते हुए बस्ती में झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता। क्यों, झाड़ू मारने वाले इंसान नहीं होते? मैं झाड़ू मार रहा था, कोई इंसान तो नहीं मार रहा था। मैं झाड़ू मारू या मक्खी मारू, मैं बड़ा, समझे? ये ले भागे काम, तू संभाल ले, मैं झाड़ू मार रहा था। Sir Danny! Oh, Randira, my friend! How are you? Sir David. तुम जब भी हिंदुस्तान में आना, रंगा राव को बहुत खुश होना। Oh, thank you very much, thank you. पहले हमको बताना, हमारा organization तुमको कैसा लगा? I'm very happy with your organization, रंगा राव, very happy. और हमको तुम्हारा arrangement भी बहुत अच्छा लगा. अरे अन्ना, अपने उस दूसरे अरेंजमेंट के बारे में जरा इसको बता दे। डेविड सर, अभी हम आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखाने वाले हैं, ऐसा अरेंजमेंट दिखाने वाले कि आप ठिनक उठेंगे। यस, देखना डेविड सर, अभी हम तेरे को हैरान करेगा। क्या करेगा? अरे बोलो ना जी, सरप्राइज। लेट्स
लिपट गई मैं, लिपट गई मैं, लिपट गई मैं, बिजली चमके लिपट गई मैं तुझसे मारे डर के, बिजली चमके लिपट गई मैं तुझसे मारे डर के, सैया जी मैंने हद कर दी, हाँ बलमा जी मैंने हद कर दी। चाबी वाला, चाबी वाला मैं चाबी ले घर की चाबी ले, बाहर की चाबी ले, बंगले की चाबी ले, फ्लैट की चाबी ले, गाड़ी की चाबी ले, तिजोरी की चाबी ले, जिस तारे की चाहिए चाबी ले, चाबी ले, चाबी वाले चाबी ले। वो लॉकअप खोलो। उधर काले हैं? हाँ। अभी खोलता साहब जी, अभी खोलता, आजा 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 आजा, अभी खोलता हूँ। ऐसे ऐसे ताले खोले हैं जिसे ताले बनाने वाले ने भी नहीं खोले।
किधर है ताला, किधर है ताला, किधर है जी? एक मिनट, ये भी खोलता हूँ जी, अभी खुल गया जी, ये लो जी खुल गया जी, आ जी आओ जी, आओ जी आओ जी। आपको कभी भी चाबी बनानी हो तो मुझसे बनवाइए, मैं कमाल की चाबी बनाता हूँ, ताला ऐसे खुलता है जैसे ताला लगा ही नहीं हो। कहाँ गई ये? अरे तूने छोड़ दिया उसे, तेरी याददाश्त चली गई थी। मंगलवार को अब तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, बड़े साहब ने उसे गिरफ्तार किया था और तूने उसे छोड़ दिया। अब समझ ले तेरी नौकरी गई, अब बोल। यू आर राइट। बोला कहाँ है? बोला वहाँ है। ले चल बोला, बोला। बोले बोले मेरे सारे, मेरे जान के पड़ गए लाले। मुझे बता रहे, तू साहब का अच्छा दोस्त है ना? हाँ, क्यों? मुझसे बड़ी गलती हो गई है। साहब ने मंगल लोहार को पकड़ के भट्टी में डाल दिया था, मैंने भट्टी का मुंह खोल दिया, उसको निकाल दिया, छोड़ दिया मैंने उसको। अच्छा किया हिम्मत सिंह, अच्छा किया। दरअसल साहब यही चाहते थे। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा? चुप, तू नहीं जानता कि साहब की क्या प्लानिंग है। लगता है इस सरकार को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। पालगढ़ में एक एक करके ऑफिसर भेजे ही जा रही है, भेजे ही जा रही है। ये और ऑफिसर की तरह नहीं है। क्यों, उसकी बॉडी में खून की जगह बारूद भरा है क्या? ऐसा ही समझ लो वेंकट। मंगल लोहार पर हाथ उठाने की हिम्मत बड़े से बड़ा ऑफिसर नहीं कर सका, लेकिन इसने मुझे मारा। इसने, ये ज्वाला सिंह नहीं, ज्वाला मुखे है, ज्वाला मुखे। चुप, चुप। माल खाता है मेरे भाई का और तारीफ करता है उस कुत्ते की। ए, तूने कहीं उसको यहाँ का रास्ता तो नहीं बता दिया? ए? एक बार कुत्ता बेवफाई कर सकता है, लेकिन मंगल लोहार नहीं। इससे पहले वो मेरा मुंह खोलता, तुम लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया। तुम्हारा भागना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मैं देखना चाहता था कि पुलिस के पट्टे से छूटकर कुत्ता किस तरह भागता है। तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे और तुम रंगाराव को खबर कर दो कि उनके दोनों भाई मेरे कब्जे में हैं। हिम्मत है तो छुड़ा कर ले जाए। चल चल चल। नल्ला रखे, नल्ला रखे। तुम मेरे भाई लोग को पुलिस वालों के हाथ देकर आ गया, पुलिस वालों को। रंगा राव तुझे चलाने को असली गोली दिया था, असली। मारा क्यों नहीं उसको? वो बच गया अन्ना। बच गया? पुलिस वाला रंगा राव के आदमी के हाथ से बच गया। छक्का रे, रंगा राव तेरा आदमी, छक्का रे। अन्ना, वो बहुत ताकतवर है। ए! पुलिस वाले को है नहीं बोलना, था बोलना था। रंगा राव दुखी तो सब दुखी।
ना, ज्वाला सिंह। तू मेरे को जानता? बहुत अच्छी तरह से जानता। नहीं, तू मेरे को नहीं जानता। अगर तू मेरे को जानता होता तो मेरे भाई लोग को बंद करने की हिम्मत नहीं करता। ए, किधर बंद किया मेरे भाई लोग को? तेरे को मेरे से डरने लगता? अगर तेरे लौंडों को पकड़ते वक्त ज्वाला डर गया तो तुझे कैसे गिरफ्तार करेगा रंगा राव? मेरा निशाना तो तू है। तू रंगा राव गुस्सा, रंगा राव गुस्सा। ए, बंद कर तेरे ये पटाखे। ये तेरा जंगल नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ना ही ये आवाज मेरे लिए नहीं है। बचपन से लेके आज तक ज्वाला ने बारिश की बौछारों से ज्यादा गोलियों की बौछार देखी है। पालघाट पुलिस स्टेशन फिल्म बनाने का स्टूडियो। जो भी आता डायलॉग मारता, बड़ा बड़ा बात करता। बड़ा बड़ा बात नहीं करता, काम करता है। तेरे मरने से पहले मैं तुझे बता जाऊंगा रंगा राव, कि बढ़ती को खेल और कानून को रखेल समझने वालों को ज्वाला मारता नहीं, मार देता है। नीचे आ, नीचे। मैं तेरे को एक बात बोलता, तेरे को कानून प्यारा, मेरे को कानून नहीं प्यारा। मेरे भाई लोग जो तुमने अंदर बंद किया, उनको भी कानून नहीं प्यारा, और उनको भी कानून नहीं प्यारा। किनको? तेरा बेबी बच्चा जो मेरे पास है। रंगा राव दुखी तो सब दुखी। तू मेरा भाई लोग को लेकर आ और अपने बीवी बच्चे को लेकर जा। सोचना नहीं, मिनिस्टर को नहीं पूछना, आईजी को भी नहीं पूछना, क्योंकि बीवी किसका? तेरा। बच्चा किसका? तेरा, उसका नहीं। जो करना तेरे को करना। एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा देगा, सब खत्म। ऐसा नहीं, तू जैसे मेरे भाई लोग को लेकर आया वैसे ही उनको वापस लौटा दे। रंगा खुश तो सब खुश। जाता है। रंगा राव, तुम मेरी बीवी बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाइयों को छोड़ देता हूं।
एक बार मेरे भाइयों को आने दे, मैं मुंडी काटेगा दोनों का। यस। मैं जैसे कहूंगा तुम गोली चला दो। धोखा, कोई गोली नहीं चलाना। बोला तुम इन लोगों को लेकर निकल जाओ, मुझे रंगाराव को पकड़ना है, जाओ। लेकिन सर ये मुमकिन नहीं है, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ सर। मैं अपने आप को बचा लूंगा, लेकिन अगर ये लोग मेरे साथ रह गए तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जल्दी जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। भोला तुम मंडी को अपने साथ लेकर जाओ, मैं इनके साथ रहूंगी। जिद मत करो भोला, ले जाओ इनको। यस सर, ले जाओ। चलो तेरा वीडियो मैं बना के ही छोड़ेगा। अपने आदमियों से कह दे कि अपने हथियार फेंक दे। बोल, बोल। अंदर आओ, अब तेरा वीडियो मैं निकालूंगा। चल। उधर मैं तेरे को बोला, नीचे आ नीचे, तू मेरा बात नहीं सुना। देख आज तेरे को रंगा राव इधर कैसे घसीट कर लाया। तुमको तो जिंदा रहना मांगता था मैं, क्योंकि हम तुमको बताता कि रंगा राव के साथ मिलके हम 15th अगस्त को कैसा तुम्हारा कंट्री का हार बड़ा सिटी में बूम बम ब्लास्ट करेगा। बैड लक, बैड लक।
मर गया। Come on man, let's celebrate. Genghis Khan नाम पर। Come on. रंगा राव खुश तो सब खुश। जला सिंह का बॉडी का क्या करेंगे? इसको पालघाट पुलिस स्टेशन में ले जाकर फेंको जी। रंगा राव है, लेकिन एक बात है, अभी अपन का लाइन एकदम क्लियर हो गया है। जब तक के गवर्नमेंट पालघाट में दूसरा अफसर भेजने का सोचेगा, तब तक तो ये पूरा कंट्री ब्लास्ट हो जाएगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ज्वाला सिंह ने अपने फर्ज की खातिर अपनी जान गंवा दी, उसने अच्छा किया या बुरा? बुरा किया। जब उसको पता था कि पालघाट के बिल में जिसने भी हाथ डाला जहरीले नाग ने उसे दस लिया, फिर उसको हाथ डालने की क्या जरूरत थी? हमें देखो, हाथ डालना तो दूर, हम उस बिल के करीब से नहीं गुजरते, क्यों भाइयों? तुम लोग एक बुजदिल की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी हजार जन्मों की जिंदगी से उसकी एक जन्म की मौत कहीं ज्यादा बेहतर है। अरे जिसने अपनी बीवी की परवाह ना की हो, जिसे अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया हो, इस देश के कानून को ऐसे पुलिस ऑफिसर पर नाज रहेगा। और मैंने भी एक ऐसे ही ऑफिसर से शादी करने के ख्वाब देखे हैं, ना कि किसी बुजदिल से। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर की बीवी कहलाने से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की विधवा कहलाना मैं ज्यादा अच्छा समझती हूँ। रोमा ने जो भी कहा ठीक कहा, वो हम सबको शर्मिंदा करके चली गई। अरे ये कोई जिंदगी है जो हम जी रहे हैं? हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? रंगराव को गिरफ्तार करेगा तू? हाँ, और तुम सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। चैन से सांस ले रहे हैं, सांस लेने दो ना साहब। दिस इज नॉट राइट, ये नामुमकिन है। अब जब ज्वाला जैसा ऑफिसर उनका मुकाबला नहीं कर सका तो हमारी क्या औकात है? अरे साहब जी, गवर्नमेंट तो हमको टाइम टू टाइम तनख्वाह दे रही है ना। हम रंगाराव को नहीं पकड़ पाए, गवर्नमेंट ने कौन सी तनख्वाह रोक दी? और अगर हम पकड़ भी लेते तो कौन सी तनख्वाह दुगनी कर देती? चुपचाप रहो ना साहब जी। सुना, ये तुझसे भी ज्यादा अकलमंद है ये लोग। रंगराव गिरफ्तार करने से पहले ये मत भूल कि तेरी भी एक बहन है। ये चक्कर में मैं मर जाऊंगा, तेरी बहन का क्या होगा सोचा तूने? कितनी मुश्किलों के बाद में वो मां बनने वाली है, और कितनी तपस्या के बाद मैं भी बाप बनने वाला हूँ। रंगराव की वजह से कितने पुलिस वालों की बीवियां विधवा होकर घूम रही है पता है तेरे को? तेरी बहन भी उसमें शामिल हो जाएगी, देख लेना। रंगराव गिरफ्तार करने की बात छोड़ दे, तेरी अपनी औकात नहीं है। तू जैसे पुलिस वाले कितने आए और मर गए, जिस तरह जी रहा उस तरह जी, बेमौत मरने की बात ना कर।
घूरना नहीं, घूरना नहीं। तेरा पति मर चुका है, तू विधवा हो चुकी है, और जिस औरत के सर से उसके पति का साया उठ जाता है ना, उसे इस तरह की अकड़ शोभा नहीं देती है। ज्वाला की मौत अगर तूने अपनी आंखों से देखी होती तो शेरनी की तरह नहीं घूरती, बिल्ली बन जाती साली बिल्ली। इसे शेरनी बनाकर इसकी औकात मत बढ़ा, ये तो सफेद बिल्ली है। कुत्तों पर झपटने का हौसला सिर्फ शेरनी में ही होता है, समझे? अच्छा, तो तू शेरनी है, चल कोई बात नहीं, हम लोग ना बचपन से आज तक शेरों का शिकार करते आए, बिल्लियों का नहीं। छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे मेरी मम्मी को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरी मम्मी को। तू झाड़ू चला कर ना, है? चल फोड़। ये कौन? तेरे हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ेंगे? देखो वेंकटेश भाई, इन लोगों को और परेशान मत करो, ये वैसे ही बेबस है, मजबूर है, दुखी है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, इनको और परेशान मत करो। परेशान तो तू हमको कर रहा है। देखो ना, तुम लोग पहले इसके पति को छीन चुके हो, इसके बच्चे को अनाथ कर चुके हो। अरे कम से कम इन्हें सुकून की जिंदगी जीने दो, इन बासों में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तू यहाँ से नहीं जाएगा ना? जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तुम लोगों को इन्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। तेरी सांस में रोकता हूँ अभी। चल चल मुंह पर चल। हमारे रंग में भंग डाल रहा था। बोला, बोला, उठो बोला, लोगों ने बोला, उठो बोला, उठो। नहीं, नहीं, अब नहीं, छोड़ मुझे, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूँगा, छोड़ मुझे, नहीं, छोड़ मुझे, अब मुझे छोड़, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा, नहीं। छोड़ इसे, छोड़, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं 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 जाने दूंगा। जाने दो मुझे, छोड़ इसे। हे भगवान, बोला तो ऐसी शक्ति दे कि इन जालिमों का मुकाबला कर सके।
अरे अरे मेरे भोला अम्मा, जिस तरह का भोला मैं हमेशा चाहती थी, मुझे मेरा भोला उससे कई बढ़कर मिला। देख देख भोला, तूने आज क्या किया है? चल हट जा, अरे हट जा। किसने इन मासूम बच्चों पे हाथ उठाने की कोशिश की? मैं पूछता हूँ, किसकी माँ ने अपना दूध छोड़ के उस सपूत को शेरनी का दूध पिलाया? किसने तोड़ा ये कानून? You are right, sir. Thank you. ये सब मेरे भोला ने किया है। छोरी, ये मजाक का वक्त नहीं है। ये भोला जिसकी हिम्मत नहीं आज तक तुझको आंख मारने की, इनको मारेगा ये? अरे यही तो कमाल है मेरे भोला का, जिसने मुझे आज तक आंख नहीं मारी, उसने मेरा दिल जीतकर बाजी मार ली। बोला मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने मारा इनको? अरे मुझे तो खुद नहीं पता मैंने इन दोनों को मारा कैसे। ए बोला, ये झूठा इल्जाम अपने सिर पे मत ले, मारा जाएगा तू। यू आर राइट सर, राइट के बच्चे मार दूंगा, सीरियस बात हो रही, राइट राइट कर गया। हिम्मत सिंह जी, ये सच है, भोला ने ही इन्हें मारकर मेरी इज्जत बचाई है। अच्छा, वेरी गुड। मत रो गुरुजी, मत रो। अरे क्यों न रोऊं? अरे बोले तूने क्या कर लिया बोले? अरे भरी जमाने में तूने क्या कर लिया बे? अरे मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? वो किसे मामा मामा कह के पुकारेंगे बे? हर साल रागी के त्योहार में अपने बैंड के थाली में 100 रुपए डालता था, अब थाली में पैसे कौन डालेगा? मैं। You are right, sir. राइट बोल रही है, मारी अपनी बीवी का भाई बना लिया मुझको, मूड मत खराब कर बे। पानी पी लो। पानी पीता हूँ। अबे आंसू पिला रही है तू? टिशू सर। टिशू चाहिए भैया, टिशू चाहिए। अबे टेसू, तू जाके आरती के सामान का बंदोबस्त कर दे। अरे भैया, तू पड़ोस के गांव में जाके खबर दे सारे रिश्तेदारों को के बोला है दुनिया में नहीं रहा बे। वो तो अभी तक जिंदा है सर। अबे ये जिंदगी कोई जिंदगी है? अबे रंगा राव तो दुश्मन लेके कोई बचाए तो ये बचेगा? ए चिचुंदर जा जाके खबर। अबे जब तक तू खबर करके आ गई, ये मर चुका होगा बोले। अबे बोले तूने क्या कर लिया बे? अबे रंगे राव के बारे में तूने क्यों नहीं सोचा बोले? रंगा राव दुखी तो सब दुखी, अब पुलिस वालों का इतना हिम्मत बढ़ गया कि मेरे को दुखी करेगा? रंगा राव चुप बैठेगा? ए मेरा तलवार ला, उस पुलिस वाले को मैं मारेगा, उसका सर मैं काटेगा। रंगा राव, छोटा मोटा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कैलकुलेटर मैं, आर्मी का कर्नल खाली ऑर्डर देता है, फाइट नहीं करता, फाइट करने के लिए सिपाही होता है, ओके? रिलैक्स माइंड, रिलैक्स। अन्ना, उसे मैं मारूंगा, मैं। मेरे को उसका सर होना, सर मिल जाएगा। पहली
तुमसे प्यार हुआ। हाय यारा यारा प्यार हुआ, मुझको तुमसे प्यार हुआ। पहले चैन गया फिर होश उड़े, पहले चैन गया फिर होश उड़े, ये सब पहली बार हुआ। का मुझ पे छाया नशा, तेरे नाम लिखा ये गोरा बदन, तेरे नाम लिखा ये गोरा बदन, जब से तेरा दीदार हुआ। यारा यारा प्यार हुआ, मुझको तुमसे प्यार हुआ। यारा यारा प्यार हुआ, मुझको तुमसे प्यार हुआ। पहले चैन गया फिर होश उड़े, पहले चैन गया फिर होश उड़े, ये सब पहली बार हुआ। प्यार कभी हो पाए कम, ये दुआ करे दिल की धड़कन, तेरी बाहों में गुजरे जीवन, तेरी चाहत की इन बातों का, तेरी चाहत की इन बातों का जन्म मुझको एतबार हुआ। तुमसे प्यार हुआ, पहले चैन गया फिर होश उड़े, पहले चैन गया फिर होश उड़े, ये सब पहली बार हुआ। अरे मंगल भाई, मेरी इतनी दुलाई क्यों हो रही है? मैंने क्या किया? दादा बनता इस साल Thank you.
दीदी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अचानक मुझ में शक्ति आ जाती है और फिर मैं कोई बात नहीं मैं अभी तड़ी पार को भेज दिया हूँ डॉक्टर तकलीफ साहब को बुलाने, वो तेरी सारी तकलीफ दूर करेंगे, आराम से बैठ। हाँ। डॉक्टर तकलीफ साहब बहुत फेमस है। चलो अबे डॉक्टर, पेशेंट इधर नहीं उधर है। आ जाइए साहब, इम्पोर्टेड डॉक्टर। एडमिट था क्या? नहीं साहब। एम्बुलेंस भी लाया? नहीं साहब, डॉक्टर तकलीफ। अरे मैं जानता हूँ फैमिली डॉक्टर है, मगर इतने तकलीफ में पहली बार देख रहा हूँ। किसकी? क्या किसकी? किसकी तबीयत खराब? भोले की, मेरे साले की तबीयत खराब है जी। क्या बीमारी? यही तो पता लगाना है डॉक्टर साहब कि आखिर मुझे हुआ क्या है। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है, इस गांव की परंपरा रही है कि हम गुंडों से डरते हैं, गुंडों के सामने सर झुकाते हैं, पर इस बेवकूफ ने गुंडों के हाथ पांव तोड़ के बरसों की परंपरा तोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया, जैसे ही गुंडे मेरे सामने आ जाते हैं, अचानक मेरे बदन में फुर्ती आ जाती है और मैं उन्हें मारने लगता हूँ, मारने लगता हूँ, मारने लगता हूँ। अरे कितना है? पहले से थोड़ा कम है। पानी लाओ। पानी दे तेरे बारो है, पानी ले क्या? गोलियां लाओ। अरे लेकिन ये गोलियां तो मेरे लिए थी डॉक्टर साहब। तुम्हारे लिए केमिस्ट में प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। लिख के दे मैं मंगवा लूंगा स्टोर से। तकलीफ में होने के बावजूद भी देखने आते हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा जी, लिख के दे। हाथ ला, वजन कम करो, शराब मत पियो, खाना कम खाओ, लिप में मत घूमो, हो सके तो साइकिल पे घूमो। साइकिल की बात कर रहे हैं आप, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ पुलिस स्टेशन पैदल आया कर, मगर ये मानता कहाँ है? ओए, ये तुम्हारी बीमारी बता रही है मेरे भाई की, देखो किसका हाथ देख रही है। अरे इसमें कौन सा फर्क पड़ता है, एक बार मेरा हाथ देख के मेरे बाप का इलाज किया था इसने। बाहर में जाए तुम्हारा बाप, मुझे नहीं कराना तेरे भाई का इलाज डॉक्टर से। ओए डॉक्टर, उठ निकल ऐसे, नहीं तो इतना मारूंगी ना, मुंह तोड़ के हाथ तोड़ूंगी। निकल इधर, बकवास कर रही है, अपने भाई को मरवाएगी क्या? ऐसे फ्री फंड का डॉक्टर कहीं मिलता है? तुम तो चुप बैठो, तुम्हारी तो मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना कि डॉक्टर क्या अस्पताल भी नहीं होगा तुम्हें। ये गलत बात कर रही है, चुप। मैं ठीक हो गया हूँ। देख ठीक हो गया, देख ले डॉक्टर का कमाल है, ये डॉक्टर नहीं तकलीफ बाबा है। बाबा भोला, भोला, ये तो ज्वाला सिंह की आवाज है। डरो मत भोला। कैसे नहीं डरूं? मैं ज्वाला सिंह की आत्मा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां हो लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम मुझे सिर्फ सुन सकते हो, मैं तुम्हें कुछ बताने आया, तुम्हारी परेशानी दूर करने आया। तुम हैरान हो गए, पिछली दो मर्तबा इतनी बहादुरी से रंगा राव के आदमी के साथ तुमने मुकाबला कैसे किया? अरे हैरान नहीं हूं, परेशान हूं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि इतनी शक्ति मुझमें कैसे आ जाती है, और मैं डरता भी नहीं हूं। इसलिए कि तुम्हारे शरीर में मैं दाखिल हो जाता हूं। तुम मेरे शरीर में? हाँ, वो तुम नहीं लड़ते, मैं लड़ता हूं।
तुम लड़ते हो? लेकिन रंगा राव के आदमी तो समझते होंगे कि मैं उन्हें मार रहा हूं। अरे बहुत जल्दी तो मेरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब जब तुम पर कोई आफत आएगी मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगा और तुम्हें वो शक्ति मिल जाएगी कि तुम बड़े से बड़े खतरों का सामना कर सको। याद रखना, ना तुम्हें गोली छू सकेगी, ना आग जलाएगी और ना ही किसी भी हथियार का असर तुम पर होगा। लेकिन ये कब तक? जब तक रंगा राव का खात्मा नहीं हो जाता। हिम्मत नहीं हारना बंदा। ये ताकत यूं समझो कि भगवान की देन है तुम्हें। इस ताकत के जरिए तुम वो मिशन पूरा कर सकोगे जो आज तक कोई पुलिस वाला नहीं कर पाया। उसके बाद मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक याद रह जाएगी और अपना यह भेद तुम किसी पर नहीं खोलना। बेस्ट ऑफ लक भोला। ज्वाला, बेस्ट ऑफ लक। ज्वाला, 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 फंस गए। मम्मी अब कहाँ जाएंगे हम? अपने पुराने घर। मैंने ही तेरे पापा से कहा था पालघाट अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, मगर मुझे क्या पता था कि ये शहर हमसे हमारी सारी खुशियां छीन लेगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे माला, तुम लोग कहीं रहोगे। मैं दुनिया वालों को अपनी पत्नी और बच्चे पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। मतलब अगर तुम लोग यहां से चले गए ना तो आइंदा कोई पुलिस वाला पालघाट पे नहीं आएगा। इंसाफ और कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा माला। तुम लोग मत जाओ माला। चल बेटा। माला, माला मत जाओ। बेटे, बेटे मत जाओ बेटे। अब मैं क्या करूं? भोला। हाँ भोला। जल गया, जल गया। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। हाँ भोला, मैं आज मैं तुम्हारी मदद मांगने आया। मदद? और मुझसे? अरे मैं तो खुद तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता। तो मैं तुम्हारी भोला, तुम्हारी भाभी पालघर छोड़कर जा रही है। भाभी पालघर छोड़कर जा रही है? उसे रोक लो भोला। माला अगर हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इस तूफान में पले, पालघाट में रहकर उसे यह एहसास हो कि उसका बाप बुजदिली की मौत नहीं मरा है, बहादुरी की मौत मरा है। वो ये जान ले कि फर्ज की राहों में कुर्बान होने का जज्बा किसे कहते हैं। उसे रोक लो भोला, जल्दी जाओ उसे रोक लो। हाँ मैं भाभी को रोकूंगा, मैं भाभी को रोकूंगा। अभी जाता हूं। पत्थर का ही निकला ना। जब तू मासूमों और बेगुनाहों को न्याय नहीं दिला सकता तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला से प्यार करने की तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला सिंह यहाँ जुल्म का खात्मा करके गरीबों को इंसाफ दिलाने आया था और तूने उसे ही इस दुनिया से उठा दिया, तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? इस मासूम के सर से तूने माँ का साया तो बहुत पहले ही छीन लिया। अरे इसके बाप का साया तो इसके सर पे रहने देता? क्या नाम दे तुझे, न्यायदाता या अन्यायदाता? क्या कहे तेरी इस मर्जी को? अगर तेरी यही मर्जी है तो तू हमारी मर्जी भी सुन। जिस नगरी में हमारी खुशियां नहीं रही, हम भी उस नगरी में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे हम उस नगरी में। चलो बेटे। भाभी जी आप नहीं जाएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अंधेर है, अंधेर है भैया, ये अंधेर नहीं तो और क्या है? भाभी मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आपने मुझे भैया कहा तो इस भाई पर विश्वास करो। आपकी और बंटी की रक्षा मैं करूँ। निराश मत हो भाभी, दुख के बाद सुख ही आता है और रात के बाद सवेरा। जिन सपनों को ज्वाला लेकर पालघाट आया था वो जरूर पूरे होंगे।
जुल्म का नाश होगा और सच्चाई की जीत होगी और ये सब आप अपने आंखों से देखोगी। बस यूं समझ लो कि ये मैं नहीं कह रहा, ज्वाला खुद कह रहा है। चलो बंटी। देखो जी, मैंने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा है ना? सुनो जी। हाँ जी। तुम्हें तुम्हारी पूरी कमाई मिल गई। तनख्वाह तो ला के दी ना तेरे को, अब पूरे पुलिस वालों की तनख्वाह ला दूं क्या? ना ना, ऊपर वाली कमाई, ऊपर वाली कमाई तो नीचे से चली गई ना। और वो 50,000? वो तेरी वजह से गए। तू पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली जाती है। बोर्ड पे किसने लिख दिया वहाँ मैं दानवीर करण हूँ, मैं सारे पैसे दान करके आ गया। और वो कंगन? अरे बंगन, मीठा खिला खिला के कड़वी बातें याद दिलाती है। अब ऊपर की कमाई आएगी ना तो तेरे कंगन ला दूंगा। अब अच्छी चीज खिला दे मेरे को। आंखें बंद करो ना। आगे बंद कर लू, ये ले। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज खिलाती हूँ। रसगुल्ला खिला रही क्या? हाँ। श्रीखंड खिला रही है? हाँ। कलाकंद खिला रही है? पानी दे पानी, ओ तेरी पार, ओ तेरी पार, हे पानी दे पानी, हे पानी दे बे, ओ तेरी पार, पानी बिना दे बे, पानी बिना दे बे तेरी पार, अरे पानी दे, पानी दे, पानी दे बे, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा बे? अरे एक साल की पगार दे फिर पानी दूंगा। बे तू रहता मेरे पास है, खाता मेरे पास है, नहाता मेरे पास है, फिर काहे की तरह का मांग रहे हैं? अरे बहुत खर्चा पड़ता है साहब, चक्कू को धार लगानी पड़ती है, अरे पैसे वाले को ढांसा देने के लिए एसटीडी करनी पड़ती है, और ऊपर जो दो शाने वाले हैं ना उनका भी खर्चा है, अपनी उम्र में एक चावी है ना उसको भी मनी ऑर्डर करनी पड़ती है। सब सब ये बराबर नहीं, मेरा पगार दे दो। अब अगले साल दो साल की एक साथ लेना। कहाँ है वो, कहाँ गई वो? अगले साल बोलेगा 3 साल की तनख्वाह देता हूँ। बच्चू सुबह उठ, तुझे दिखाता हूँ सारे सालों याद रखेगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शंकर दादा हूँ, मुझे हफ्ता वसूल करने जाना है। ए, मैं शंकर दादा बात करने का नहीं, ज्यादा पूरा का पूरा आदमी का कर दूंगा आधा, समझा? ये इलाके में किसी की नहीं चलेगी, अपू नागल समझ जाने का, हर सप्ताह निकालने का अपना हफ्ता। शंकर दादा पहचानते ना मेरे को? ए, हफ्ता निकाल। मैं गरीब आदमी हफ्ता कहां से दूंगा माई बाप? हफ्ता नहीं तो महीना निकाल, महीना नहीं तो साल निकाल, नहीं तो पूरी खाल निकाल लूंगा। डर के दिया ना? हाँ डर के दिया माई बाप। चले शाना चल, माल निकाल चल। हफ्ता ये हवलदार हफ्ता क्यों मांगते हैं? शायद पगार कम पड़ रही होगी। मंदिर लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अरे ये हिम्मत सिंह शंकर दादा के घर में क्यों जा रहा है? ऐ मेरी रानी मेरी जान, देख तेरा शंकर दादा आ गया है। कहाँ है तू? हिम्मत सिंह? अरे हिम्मत सिंह की क्या औकात है शंकर दादा के सामने? दो बार मार चुका साले को, सलाम ठोकता है मेरे को। मेरी जान देख तेरे लिए क्या रहा, सोना जेवरा साड़ियाँ परफ्यूम और बंगड़िया। मेरे लिए? तेरे लिए तो क्या, उस हिम्मत सिंह की बीवी के लिए? सुनो सुना, आधी क्या खंडाला काय को? अरे घूमेंगे फिरेंगे लूटेंगे लाटेंगे चाकू दिखाएंगे और क्या। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना हिम्मत सिंह को,
पता नहीं क्या अनाप शनाप अके जा रहा है जब से। कहता है मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया, जेवर लेकर आया, और ये भी कहता है आती क्या खंडाला। ये कौन है? अबे साले मैं इसका पति हूँ। बेवफा ए, तेरा एक और पति है? वो भी इतना भारी? ए, ठी? आज मैं तेरे को हल्का कर दूंगा बे। शंकर दादा, भाभी, पाए लागू, सी हम लागू भैया कैसे आ गया भाई? अबे अपने पैरों पे चल के आया था और चार के कंधों पे जाएगा। नो 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 रंगराव, ऐसे छोटे छोटे बात पे तुम भड़केगा तो हमारा मिशन का क्या होएगा? देखो वो तुम्हारा भाई लोग को मारा, तुम्हारा आदमी लोग को मारा, लेकिन जान से तो नहीं मार दिया ना? बोलो। वो मेरे को ललकारा, रंगराव को छेड़ा, रंगराव दुखी तो सब दुखी। ओहो, डोंट यू वरी मैन, डोंट यू वरी, तुम सिर्फ अपना मिशन पर कंसंट्रेट करो, और अगर तुम बदला लेना मांगता तो यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। यस, ये ले ओ, टेक इट। बी केयरफुल, इट्स अ टाइम बम, इससे पुलिस स्टेशन को उड़ा दो। तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा और हमको इसकी ताकत का पता भी चल जाएगा। भोला ज्वाला, बैठ जाओ। हाँ, सामने देखो। हैंडबैग, उस पे बम है। बुँ 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 बुँ। इस पुलिस स्टेशन को उड़ाने की साजिश है रंगाराव। ये बम उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में फिट कर दो, जहां रंगाराव के भाई इंतजार कर रहे हैं इस पुलिस स्टेशन के उड़ने का। बम बम बम, मैं ये बम उठाकर बाहर कैसे रख सकता हूँ? हिम्मत मत हारो भोला, वैसे भी बड़े बड़े मिशन पूरे करने हैं। तुम्हें एक जांबाज इंसान बनना है, देश की रक्षा करनी है। इस बम से डर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जाओ जल्दी करो। तो फिर आप ही मेरे अंदर घुस के वो नहीं, ये काम तुम खुद करोगे। फंस गए। याद है उस दिन मेरे साथ मिलकर कितनी बहादुरी से तुमने रंगाराव के आदमियों के साथ मुकाबला किया? तुम्हें वो हिम्मत है भोला, डरो मत और जल्दी से ये बम गाड़ी में फिट कर दो। ठीक है ज्वाला, ठीक है। क्या ये? क्या है? टाइम बम है। यहाँ कैसे आ गया? ये रंगाराव के भाइयों ने हमारे पुलिस स्टेशन में फिट किया हम सबको मारने के लिए। तो हम क्या करें? अब हमें ये टाइम बॉम्ब उनकी गाड़ी में फिट करना पड़ेगा। हमें या तुझे? हम सबको। अच्छा, तुम लोग जाओ और उनको अपनी बातों में उलझाओ, तब तक मैं ये बॉम्ब उनकी गाड़ी में फिट करता हूँ। अच्छा चलो चलो सिपाहियों, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। अरे ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये अचानक पुलिस स्टेशन से बाहर कैसे आ रहे हैं? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि हमने अंदर बम फिट किया हुआ? इडियट,
बेवकूफ लोग इतने जल्दी अकलमंद नहीं बन जाते। नमस्ते साहब जी, कैसे हैं आप लोग? पिछड़ो पिछड़ो, तुम लोग पुलिस स्टेशन छोड़ के यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? ओ साहब जी, आप बाहर है तो हम अंदर कैसे रह सकते हैं? साहब जी अंदर तो आप लोगों को होना चाहिए साहब जी। यू आर राइट सर। व्हाट, क्या बक रहे हो? नहीं नहीं, बक नहीं रहे, आप अंदर चलिए, हमें भी कुछ खातिर पानी का मौका दीजिए। नहीं नहीं, हमें अंदर नहीं जाना प्लीज। आप चलिए ना साहब, इतने प्यार से ले जा रहे हैं साहब जी। हम आप खातिर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे साहब जी? आप जैसे इज्जतदारों की वजह से हमारा पुलिस थाना चल लिया साहब जी। आप लोग अंदर नहीं आएंगे तो हमारा तो लुमतला हो जाएगी साहब जी। ठंडे वातावरण बैठ के ठंडा पी के ठंडा ठंडा हो जाइएगा। यू आर राइट सर। देखिए खुशी के मारे अंग्रेजी बोल जाइए। तेरे को हिंदी समझ में नहीं आता क्या? चाहे ना जाए, अपना काम कर। तू पुलिस जाम को नहीं आने का, चल जा ऐसे। जाओ यार, जाओ जाओ, नहीं आने का, जाओ। अपना काम करते नहीं साले, जाओ अपना काम करो। अरे मुंह क्या देख के जाओ, जल्दी कर, गाड़ी चलो, अपना काम करो। बच अजी काम क्या करना जी, काम तो हमारा हो गया साहब जी। आपने हमारा दिल तोड़ दिया जी, भगवान आपका भला करे। अरे गाड़ी देख, किसला देख देख, अरे देख सामने झाड़ आ रहा है, अरे अरे ब्रेक लगा देख, अरे किस को टक्कर देगा तू?
अर्जुन वेंकटेश रुलाया रे, एक मामूली आदमी हमको रुलाया, रंगा राव को रुलाया, रंगा राव रोया तो सब रोया, अब पूरा पालघाट खत्म। ए, हम अपने भाई का लाश नहीं देखा, नहीं देखा रे, लेकिन पालघाट के एक एक आदमी का लाश देखूंगा मैं। जा, पूरा पालघाट खत्म, खत्म। नो नो, स्टॉप इट रंगराव, स्टॉप इट। तुम पागल, मैडमैन। अगर तुम पूरा पालघाट को खत्म करेगा तो तुम्हारा गवर्नमेंट जाग जाएगा मैन, और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। एंड डोंट यू फॉरगेट, आवर मिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बात करता है सर डेविड, रंगराव का भाई इंपॉर्टेंट नहीं? ओके ओके, बट ये गेम है, और गेम में कभी ये टीम जीतता कभी वो टीम जीतता, तुम ऑलवेज जीता रंगराव, ये टाइम वो जीता, सो व्हाट। और फिर आरडीएक्सपी पालघाट पहुंच चुका है, 15 अगस्त में ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारा छोटा सा मिस्टेक से बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है रंगराव। 15 अगस्त को पूरा कंट्री नहीं उड़ेगा, पालघाट का एक एक पुलिस वाला भी खत्म हो जाएगा, हम लेगा तुम्हारा भाई का मौत का बदला, हम लेगा इस कंट्री का सारा पुलिस को मारकर बदला लेगा। ओके, सो रिलैक्स माय बॉय, रिलैक्स एंड कम ऑन, व्हाट इज फियर व्हेन सर डेविड इज हियर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा ही होगा अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया तो। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अटेंशन, आज वो वक्त आ गया है जो ना जाने हमारी जिंदगी में कितनी बार आया है, लेकिन हमने उसकी कोई कदर नहीं की। मेरा इशारा रंगा राव के बर्बादी की तरफ है, और अगर आज भी हमने इस वक्त की कदर नहीं की तो याद रखना कि देश के कोने कोने में मरने वाले हर बेगुनाह के मौत का जिम्मेदार सिर्फ रंगाराव ही नहीं, हम सब होंगे। मैंने तो तय कर लिया कि मैं रंगाराव को खत्म करके ही रहूंगा, और अगर इस मिशन में आप सब मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप सब अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, ओए बहन किसको बोला? ओए खामोश, बहन बोलकर मैंने को गलत बात नहीं की है। आज तक जो वहां पर जिंदगी बिता रहे थे ना, वो मर्दों वाली थी ना औरतों वाली थी, बीच वाली थी। बहन बोलकर मैंने तुमको इज्जत दिया है। यू आर राइट सर, हमारे माँ बाप ने हमारे नाम बड़े चुन चुन के रखे हैं, सबके नामों के आगे सिंह लगे हुए हैं, पर हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं चूहों की। एक द्वाल साहब थे, दिल्ली देश कानून के लिए इस वर्दी के लिए अपनी जान दे दी, और हमें ये वर्दी इसलिए पहन रखी है ताकि सर्दी में मर न जाए। सर पे कफन बांध लो और आतंकवादियों का ऐसा मुकाबला करो ताकि कोई आतंकवादी हमारे देश में आतंक फैला न सके, फैलाने की हिम्मत न कर सके। नहीं तो ऐसा वक्त आएगा हमारी जो औलाद है वो नामत की औलाद कहलाएगी। आज वक्त आ गया है मर्दानगी दिखाने का। बोलो आप सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। बस आज के बाद मैं बड़ा नहीं, बोले साहब बड़े हैं, हम बोले साहब का कहने मानेंगे। बोलो बोले साहब की जय, बोले साहब की जय।
हिम्मत सिंह सुना मेरा भोला रंगराव को मारने गए। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे वो रंगराव से पैसे लेने गया हो। खुशी की तो बात है, कब से अपने भोला को इस रूप में देखने के लिए तरस रही थी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे हम शादी में जा रहे हैं, रंगराव से लड़ने जा रहे हैं। अरे मैं नहीं डरती किसी से, और भोला को लड़ते हुए देखकर अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। क्या बात है यार, पालघाट पे सब जान देने को तैयार है। चलो भाई एक बात सुन लो, वहाँ पहुंचते जीप के चारों टायर पंचर कर देंगे ताकि हम में से कोई भाग ना सके। ठीक है, चलो चलो भाई आधा बैठ जाओ, परेशान की बात ना करा कर। ये है पालघाट का मैप। हमारा गोडाउन से 10th अगस्त को बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद आरडीएक्स भेजते जाएगा, और 15th अगस्त को पूरा कंट्री में एट वन टाइम मॉर्निंग 8 o'clock ब्लास्ट। नब्बे करोड़ हिंदुस्तान की जनता को तबाह करने वालों को तबाह करने के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तानी काफी है। अरे देख तो मारो इसको। ओ जी गुरु जी, आज दिवाली है क्या? नहीं भाई। तो फिर ये आवाज कैसी आ रही है? अबे गोलियां चल रही हैं, गोलियां। गुरु जी गोलियों की आवाज ऐसी होती क्या? अरे तुझे तो ये भी पता नहीं होगा गोलियों से आदमी कैसे मरता है। अबे बेवकूफ कैसे पता होगा, पिछले 9 महीने से न कोई गोली चली न कोई आदमी मरा है। गुरु जी तुझे मैं बताता हूँ गोलियां कैसे चलती है, आदमी कैसे मरता है। ऐसे मरते हैं आदमी। You are right, sir. आप बड़े। कोई बड़ा नहीं है, इस भगत में रंगराव बड़ा है, उसको मार मार के छोटा कर देना है। जाओ तुम सब लोग फैल जाओ, बीमारी की तरह फैल जाओ, जाओ जाओ अपनी जगह। खाने भी नहीं देते कुछ। नमस्ते मैम साहब। क्या क्या कर रहे हो? नहीं है पागल। पकड़े जा रहे, एक मिनट पकड़िए। बहुत गर्मी है। अरे कमाल हो गया, क्या निशाना है पागल। हिम्मत सिंह लोग कह रही रख ले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, काम आ जाएगी, रख ले। थैंक यू सर। अबे साले तेरी बीवी की तो ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन साले तू इस दुनिया से डिस्चार्ज हो जाएगा। अबे कह रही नहीं है, बम है बम। Thank you.
एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, कीड़े मकोड़े भी आ गए। हम तो साहब निशानेबाजी सीखने आए थे। तू सीखे? थोड़ी बहुत सीख ली। कैसे? ऐसे ऐसे। ए, पकड़ो, मारो, फाइकरो, फाइकरो। मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। अबे चुप करो, मैंने मारा, मैंने मारा। ऐसी पॉलिटिक्स मत खेलो, हमारा देश इसलिए पीछे है। गोली एक्चुअली मैंने मारी है, लेकिन मैंने कह रहा हूं कि मैंने मारी है, हम सब ने मारी है। इससे पहले कोई हमें मारे, चलो निकलो यहां से जल्दी, चलो कौन पकड़ो, कौन पकड़ो। Oh!
ले रहा था वो ठंडा हो गया जी। भगवान तेरी आत्मा को कभी शांति ना दे। यू आर राइट सर। थैंक यू। जो इज्जत और सम्मान मिला है हम सबको, उस सम्मान का असली हकदार आज हमारे बीच में नहीं है, और वो है ज्वाला सिंह, जिसने हम जैसे कायरों में हिम्मत पैदा की, हमें जीने का तरीका सिखाया। ज्वाला के बिना हम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचते, इसलिए इस मेडल पर भी उन्हीं का हक है। अगर ज्वाला सिंह की पत्नी आकर इस मेडल को स्वीकार करे तो हमें बड़ी खुशी होगी।